उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि कोई अदालत सिर्फ ऐसे ही मामलों पर अग्रिम जमानत दे सकती है जहां प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता हो। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर लोकसभा में हंगामा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है जिस पर सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत सरकार का पक्ष रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते हैं और अन्य के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला बढ़ता जा रहा है। विरोध में कॉलेज की छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। इसी बीच दिल्ली महिला आयोग की एक टीम आज कैंपस पहुंची और छात्राओं से पूरे घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह मुद्दा लोकसभा में भी उठाया। बिहार की राजधानी पटना की एक कॉलोनी में सोमवार की सुबह अचानक बम धमाका हुआ। यह बम धमाका एक घर के अंदर हुआ जिसमें 5 लोग घायल हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब परिणाम की तैयारी शुरू हो गई है। कल सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में 27 जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने अब केंद्र सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस किसी भी तरह आरक्षण को खत्म करना चाहती हैं। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद से जुड़े देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग ने दायर की है। गुजरात एटीएस के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में शामिल मुनाफ थलारी मूसा को गिरफ्तार किया गया है। मूसा को एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। लंबे इंतजार के बाद एम्स का नया ओपीडी ब्लॉक आज से शुरू हो गया है। रविवार को विधिवत तरीके से नई बिल्डिंग की शुरुआत कर दी गई। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।